ब्लू टिक ले लो, ब्लू टिक वाला ब्लू टिक ले लो, 656 रुपये में ब्लू टिक ले लो, ब्लू टिक 656 रुपये, 656 रुपये में ब्लू टिक ले लो। जी हाँ, पैसे देकर अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, पैसे दो और ब्लू टिक ले लो। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स को ब्लू टिक ऑटोमेटिक मिलेगा, जबकि पहले यह सिर्फ पत्रकार, संस्था, सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर को ही मिलता था। हालांकि पहले यह फ्री था और अब इसे लेने के लिए एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अमेरिकी यूजर से ट्विटर ब्लू टिक के लिए मासिक तौर पर 7.99 यानी करीब 656 रुपये वसूले जाएंगे। भारत में इसकी कीमत क्या होगी, इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इनके अलावा इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि यदि कोई यूजर 1 महीने सब्सक्रिप्शन लेता है और उस दूसरे महीने में नहीं लेता तो क्या उसका ब्लू टिक वापस ले लिया जाएगा। ट्विटर ब्लू टिक सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में उपलब्ध होगा। एलन मस्क ने ट्वीट करके यूजर्स को इस बात की भी जानकारी दी है कि जल्द ही ट्विटर पर लंबे ट्वीट्स पढ़ने को मिलेंगे। लंबे ट्वीट्स के लिए टेक्स्ट को अटैच करने के लिए एक नया फीचर जोड़ा जाएगा। एलन मस्क का कहना है कि नए फीचर के आने के बाद नोटपैड के स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही सभी तरह के कंटेंट को ट्विटर पर मोनेटाइज भी किया जाएगा, यानी कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। एक यूजर के सवाल के जवाब में मस्क ने कहा था कि हम YouTube से ज्यादा देंगे। यूजर ने कहा था कि YouTube अपने क्रिएटर्स को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का 55% देता है। मस्क अपने यूजर्स को इससे भी ज्यादा रेवेन्यू देंगे, यानी कि अब ब्लू टिक लेने के लिए यूजर्स के पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन इसके साथ साथ यूजर्स को ट्विटर के माध्यम से पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। और यह बात ट्विटर यूजर्स के लिए खुशखबरी के रूप में साबित हो सकती है, लेकिन वह ब्लू टिक लेने के लिए पैसे लगने वाली बात से लोगों को थोड़ी सी निराशा जरूर है। एलन मस्क द्वारा ब्लू टिक लेने पर पैसे लेने वाली बात पर आपकी क्या राय है और एलन मस्क द्वारा लिया गया ये फैसला आप लोगों के नजरिए से कैसा है, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।